ए नहीं, हमारे नबी आलिमुल गैब। कैसा जी आलिमुल गैब? अग्गे का पीछे का हो सब मालूम हमारे नबी को। अच्छा, गज़वा अहद में ये 70 सहाबा जो बिठे हुए, इनो गलती करती नीचे उतरती हैं, मेरे 70 सहाबा शहीद हो जाती हैं, जीते सो जंग हार जाती, मतलब नबी को मालूम था हो ना का तो नबी उनको मारने को से बिठाए थे। अगर अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब तसव्वुर कर लिए तो ये सब बातें आ जाती। क्या हमारे नबी को इतनी बड़ी गुस्ताखाना इल्जाम लगा सकती हैं क्या हमें? नहीं ना। हमारे नबी पर, हमारे नबी की बीवी, हमारी माँ अम्मा आयशा पर मुनाफिकीन ने जिना का इल्जाम लगाया, जिना का इल्जाम लगाया। मदीने में सारे यहूदिया मिलकर अफवाहें फैलाए, हमारे नबी परेशान ही 40 दिन तक वही उतरी नहीं, हमारे नबी को हकीकत मालूम नहीं। कही को भाई हमारे नबी आलिमुल गैब भाई क्या? अगर आलिमुल गैब भाई सब भी मालूम रहना ना नबी को, अगर सब भी मालूम है तो मालूम रख ले को भी हमारे नबी नहीं मालूम है सरकार के नाटक करे क्या? नऊज बिल्ला, नहीं ना। हकीकत में हमारे नबी को नहीं मालूम था। अल्लाह जब वही के जरिए सूरह नूर की आयतें नाज़िल करे तब अल्लाह के नबी को मालूम हुआ। हमारे नबी आलिमुल गैब नहीं है जी। आलिमुल गैब बोलना गुलू करने के बराबर, गुलू करने के बराबर। कुरान में सूरह बकरा अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह बकरा की 33 नंबर आयत में, इन्नी आलमुल गैब, इन्नी आलमुल गैब समावाती वल अर्ज وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون, मैं वो तमाम गैब की बातें जानता हूं जो जमीन और आसमान में है, जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, वो सारे गैब की बातें मैं अकेला जानता हूं। कौन बोल रहा है बात? हमारा परवरदिगार बोल रहा, अल्लाह सुभान व तआला बोल रहा। दूसरी आयत सूरह अनआम 51 नंबर आयत, 50.1 नंबर की आयत, अल्लाह कहता है वो इंदहु मफातीहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हुआ, मेरे पास गैब की सारी कुंजियां हैं, मैं ही जानता हूं, मेरे सिवा कोई गैब नहीं जानता। वह यालमु मा फिल बर्रि वल बहर, जमीन में समंदर में क्या कुछ होता वो सब मैं जानता हूं, बोल रहा अल्लाह ताला। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हमारे नबी को आलिमुल गैब नूर मिन नूरिल्लाह या टच नहीं, अशारा बना डाले। वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर, वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, क्या मतलब इसका? जो अर्श अजीम पर अल्लाह की जात मुस्तवी है वही मुस्तफा का रूप धारण कर ले को जमीन पर उतर पड़ा, मतलब जो मुस्तफा है मोहम्मद है ये हकीकत में अल्लाह है। इसे गुलू नहीं बोलेंगे क्या? इसे हद से ज्यादा आगे बढ़ना नहीं बोलेंगे क्या? बोलो, ये गुलू है, ये इस्लाम में गुलू है।